ये और नहीं, क्या जैसे सोचे थे वैसे आए हैं। नायका फैशन से शौर्य संध्या लेबल वाले दो सूट्स ऑर्डर करे मैंने, अलग अलग अकाउंट से करे, बिकॉज फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर करते हैं ना नायका फैशन से तो 500 रुपये का ऑफ मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आप पैसे बचा सकते, बिकॉज सूट्स आर लाइक रियली एक्सपेंसिव। 4,500 रुपये का है, और अच्छी चीज़ है कि सारे साइजेस में अवेलेबल हैं, स्टिच्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम की बात करते हैं, 20 तारीख को पहनना था मुझे, तो एक आया है 24 तारीख को, एक आ गया था 19 तारीख को। जो 19 तारीख को आया बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, तो नहीं पहना, एंड अनफॉर्चुनेटली रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आई वॉज लाइक शिट, मैंने एक रिव्यू तो पढ़ा था ऐसा, बट मैंने इग्नोर कर दिया था, मुझे लगा अच्छा ही आएगा, वो रिटर्न नहीं कर सकते और रिप्लेस कर सकते हैं खाली साइज में। तो अब देखती हूँ मैं क्या करूँगी, एक साइज़ आई थिंक छोटा मंगवा लूँगी तो मे बी फिटिंग बेटर होगी, तो थोड़ा ठीक ठाक लगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं। 4,000 का एक एक सूट पड़ा है, और दूसरा वाला जो सूट आया वो 24 को आया, लेट आया, बट सूट बहुत खूबसूरत है तो इट्स वर्थ इट। 4,000 के हिसाब से उतने खास तो देखो नहीं है, बट जितना जितना दिखाया है उतने भी मिल जाए तो बहुत होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, खुद से पैसे लगाए हैं, खुद से खरीदा है, ठीक है। नायका फैशन के पैकेट्स रहे, कुछ इस तरीके के पैकेट्स में मेरे पास रिसीव हुए, ओके। शिपिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था जितना लिखा था उन्होंने, उससे भी एक दो दिन एक्स्ट्रा था, ये चीज़ तो थी, बट एनीवेज प्रोडक्ट्स देखते हैं दिखाया कैसा गया स्क्रीन पे, पहले तो वो देख लीजिए आप। शौर्य संध्या में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर उसका थोड़ा ब्लू सा आ रहा है ना, ब्लूइश वाला, कोई बहुत यूनिक सा कलर, बट जब रिसीव हुआ तो इट्स अ वेरी डल काइंड ऑफ ब्लूइश ग्रे कलर, इट्स नॉट दैट ब्लूइश काइंड ऑफ कलर, तो वो ना ग्रे सी चला गया, वो लुक चला गया, और ओवरऑल फिर पहन करके वो चीज़ आई ही नहीं। खैर आई कैन ट्राई एक साइज छोटा ऑर्डर करने का, मे बी फिटिंग बेटर आ जाए या इसी को टाइट करवाने का, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बट जो भी हो 4,000-4,500 के लायक तो मुझे नहीं लगा। कपड़े की क्वालिटी ठीक है, कपड़ा अच्छा है, बट बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। खैर वो तो वैसे स्क्रीन पर दिख भी रहा था, तो उसमें उनकी भी क्या गलती, मेरे को डिज़ाइन अच्छा लग रहा था लेकिन सिंप्लिसिटी वाला और बढ़िया लग रहा था, लेकिन वो बात आई नहीं। हल्का सा पहनने में मैं बोलूँगी, ज़रा सा नेट की वजह से नन्ना सा अनकम्फर्टेबल था, ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं था, हल्का सा था, तो ये चीज़ थी। और नेट का ऐसे इस तरीके से स्लीव्स आएगा, वैसे नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर बहुत अच्छा सा थ्रेड वर्क किया गया है, जैसा स्क्रीन पर दिखाया था वैसे सब कुछ एग्जैक्टली वैसा है, लेकिन कलर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन आ रहा है ना कि मज़ा ही नहीं आया, वो लुक ही नहीं आया फिर। और इसकी फिटिंग और इसकी जो शेप बनी हुई है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, मैं बाद में इसके पर्पल वाला दिखाऊंगी, उसकी ऐसे 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 कर्व बना हुआ बड़ा सही सा। एनीवेज आप ये देखो, नेक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और नीचे कपड़ा है सिंपल वाला कॉटन टाइप का, ऊपर ये नेट है, नेट के ऊपर ये थ्रेड वर्क दिया गया है, थ्रेड वर्क के बीच में सिप्पी लगी हुई है, टूटेगी नहीं, सिली हुई है साथ में, पूरा देख लीजिए, ओके। ऐसे आ जाएगा नीचे से ये नेट वाला चीज़ आ जाएगा। बैक देख लेते हैं, बैक में पूरा ऊपर से ही बंद आ रहा है, और ये पूरा सा ये ऐसे डिज़ाइन चलता जाएगा, नीचे को ये लेस वाला काम आ जाएगा, लेस के ऊपर जो थ्रेड वर्क वाला दिया हुआ है। बेसिक सा सूट है, 1,500 के हिसाब से स्टिच्ड वाला मिल रहा है, मैक्सिमम 2,000 के हिसाब से ठीक है, नॉट वर्थ फॉर लाइक 4,000-4,500 वो नहीं है। पैंट सिंपल है, सही है, बट अगैन आई थिंक एक साइज़ मुझे छोटा मंगवा लेना चाहिए, मुझे सही आ जाएगा, बट मुझे पता है एक साइज़ छोटा मंगवाऊंगी ना, अभी ये वाला मैंने एल में मंगवाया है, एम मंगवाऊंगी तो मुझे टाइट हो जाएगा, एल मंगवाया तो खुला रह जाएगा, तो कोई नहीं, बट एम ही मंगवाना चाहिए और वेट कम कर लेना चाहिए, वो बेटर है। तो पैंट ऐसे सिंपल सी है, थोड़ी झल्लू झल्लू सी है, और नीचे कोई लेस आ जाएगा, ओके। इलास्टिक वाली पैंट है, कम्फर्टेबल है, बहुत कम्फर्टेबल, अच्छी खासी है। दुपट्टा खूबसूरत है, सिंपल सा है, प्यारा सा है, दुपट्टे में पूरे में ये वाला लेस वाला काम है, वर्क है, अच्छा है, थ्रेड वर्क दिया हुआ है, साइड्स ऐसे ये वाली जो छोटे वाली साइड्स होती हैं लेना चाहेंगी, जो बड़े वाली साइड्स हैं उनमें ये इस तरीके से आ जाएगा, साइड में बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा बहुत ही प्रिटी है, ठीक है। इसकी वजह से फिर भी थोड़ा लग रहा है कि चलो कहीं पर तो कुछ इन्होंने ढंग से पैसे लगाए हैं। एनीवेज साइड बाय साइड पहन करके दिखा रही हूँ, कैसा लुक आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये वर्थ था मेरा खरीदना या नहीं, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, मुझे बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक देना, क्या आप 4,000-4,500 में ये वाला सूट खरीद लेंगे, आपको इतना मतलब वर्दी लग रहा है तो मुझे ये बताना, ओके। वैसे अच्छा है सूट, 1,500-1,500 के हिसाब से, 4,000-1,000 के हिसाब से नहीं है, और 1,500-1,500 के हिसाब से भी कलर बहुत डल,
वीडियो शूट करने के बाद एक चीज़ और हुई, आई चेक्ड, मैंने जो एक्सचेंज रिक्वेस्ट प्लेस की थी इन्होंने वो भी कैंसिल कर दी, तो बेसिकली साइज़ भी एक्सचेंज नहीं किया. सो ओवरऑल आई एम लाइक रियली डिसअपॉइंटेड. आई थिंक इस पर्टिकुलर केस में तो ना तो प्रोडक्ट अच्छा है, ना आप रिटर्न कर सकते हो, ना आप साइज़ एक्सचेंज कर सकते हो. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्पल वाला. ये मुझे शौर्य संध्या पे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे पता है मेरी बॉडी की शेप कैसी है. एप्पल शेप बॉडी टाइप होता है ना जब, तो सलवार पहनी हो या हिप एरिया पे कुछ हैवी वाला चीज़ हो ना, तो यू लुक नाइस, कर्व अच्छा आता है. तो इसके लिए मैंने लिया था अपनी बॉडी शेप के हिसाब से, एंड एक्चुअली मुझे वैसा ही लगा. तो शौर्य संध्या पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने ऊपर भी. एंड बाद में मम्मी एंड भाभी मेड मी रियलाइज कि तूने सेम पैटर्न का सूट लिया है. मैंने कहा नहीं, नेक का डिज़ाइन अलग है, कलर अलग है और सलवार वाला हिस्सा अलग है, बट दे लाइक कि पैटर्न तो सेम ही है ना, जो भी हो वो जो नेट लगा हुआ है और वो कपड़ा है वो वाला पार्ट. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी तो ये वी नेक वाला टाइप का आ जाएगा. वही नीचे अस्तर दिया हुआ है, वही ऊपर को ये पतले वाली लाइंस दे रखी है और बीच में थोड़ा काम है, थोड़ा वही वाला पैटर्न है बट उतना कम्प्लीटली सेम नहीं है. मतलब है तो सही बट ठीक है. और ये वाली स्लीव्स हैं ऐसे, और बैक में देख लेते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुर्ते हैं, क्यूट है वैसे तो. ये वाला तो बहुत ही प्यारा है, पीछे को ये धागा बन जाएगा, ठीक है, नेक डिज़ाइन पीछे वी शेप आ जाएगा. और ये देखिए नीचे को इसमें भी ऐसे लेस वाला लुक आएगा. सो इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा है. एंड देन अब हम देख लेते हैं इसकी धोती, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है. धोती सलवार मोड़े वो यू कॉल इट, इलास्टिक वाली, इट्स वेरी कंफर्टेबल. इसका साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आया है और ये इस तरीके का ये लुक आ जाएगा. यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज़रा सा लंबा है, हील्स के साथ में चल जाता है तो आई थिंक मैं छोटा नहीं कराऊंगी, बट 2.5 इंच की हील्स पहननी पड़ेंगी मुझे इसके साथ में, तब भी ये सही चलेगा. बैक साइड से ऐसे है, ये कोनी सी बनी हुई है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसे, वी कोन टाइप सा कुछ बना हुआ है और ये इस तरीके से, ठीक है. 4,000 का तो मैं नहीं बोलूँगी लग रहा है, 4,500 का एक्चुअली मिला, 4 का है तो 4,500 का लग ये रहा है, 2,500 का मैक्सिमम, बट अच्छा है. वो तो शौर्य संध्या के लेबल के भी पैसे होते हैं तो कोई नहीं. ये सूट मुझे पर्सनली पर्पल वाला अच्छा लगा है, इसकी फिटिंग अच्छी है, ये कंफर्टेबल भी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये इस तरीके से आएगा दुपट्टा. साइड्स बिल्कुल इसका प्लेन आ जाएगा ये, और ये जो बड़े वाले साइड्स हैं ये इस तरीके से आ जाएंगे और पूरे में इस तरीके से ये वाला काम आएगा. इट्स लुक्स वेरी नाइस और अच्छा है, ये बिल्कुल कम्फर्टेबल सूट है. इसका नेक मुझे ज़रा सा भी बॉदर नहीं कर रहा था और इसका शेप मुझे मेरी बॉडी पर अच्छा लग रहा था और जैसा दिखाया था एग्जैक्टली वैसा आया है. सो आई एम सैटिस्फाइड विद द पर्पल वन, चाहे मैंने महंगा खरीदा, दैट इज माई थिंग, महंगा तो वो है, ये पहले से ही पता था ना, बट पर्पल वाला जैसा दिखाया है वैसा आया है, मुझे अच्छा लग रहा है. और आप स्क्रीन पर साइड बाय साइड मुझे पहना हुआ देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, कि आपको वर्थ लग रहा है, आपको मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, कि आप इसे खरीदना चाहेंगे. जो भी रिव्यूज हो आपके, जो भी चीजें हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आई वुड लव टू नो दैट. सो ओवरऑल एक पसंद आया, एक नहीं पसंद आया है, और रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए यार, दैट इज़ अनोइंग. बट एनी वेज, सो दिस इज इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी. पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा.